अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहिद मियो और आप देख रहे हैं स्मार्ट टेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज से हम अपने यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट, जिसमें मैं आपको वर्डप्रेस के जरिए वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा। तो आज हमारा पहला ट्यूटोरियल है जिसमें मैं आपको बताऊंगा तीन से चार ऐसी चीज़ें जो कि आपके पास होनी चाहिए एक वेबसाइट बनाने से पहले। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपके पास होना चाहिए डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या होता है? हर वेबसाइट का एक एड्रेस होता है, जैसे कि मेरी वेबसाइट है हाजिर टेक, तो उसका जो एड्रेस है वो है hazirtech.com। इस एड्रेस को ही हम डोमेन नेम कहते हैं। पता चल गया डोमेन नेम क्या होता है। अब जो दूसरी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए एक वेबसाइट बनाने के लिए, वो है होस्टिंग। अब होस्टिंग क्या होती है? होस्टिंग फ्रेंड्स, आप अपनी वेबसाइट पर कोई भी डाटा अपलोड करते हैं, जैसे कि पोस्ट वगैरह, थीम्स, पेजेस बनाते हैं, जो भी आपकी वेबसाइट का एक पूरा डाटा होता है, तो वो डाटा कहीं पर स्टोर भी तो होता है ना। जहाँ पर वो स्टोर होता है वो जगह होस्टिंग कहलाती है, जिसे हम सर्वर भी कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको ख़रीदनी पड़ती हैं। होस्टिंग भी आपको ख़रीदनी पड़ती है डिफरेंट साइट से, और होस्टिंग भी आपको ख़रीदनी पड़ती है। अब ये दोनों चीज़ें आपको फ्री में भी मिल रही होती हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जो आपका डोमेन नेम होता है उसमें वो साइट अपना नाम डाल देती है, वो वेबसाइट अपना नाम डाल देती है जिससे आप फ्री में ले रहे होते हैं। जैसे कि wordpress.com आपको फ्री में डोमेन और होस्टिंग देता है, लेकिन वो डोमेन के अंदर अपनी साइट का नाम डाल देता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक डोमेन लेना चाहते हैं फ्री में स्मार्ट टेक के नाम से, तो वो क्या करेंगे, smarttech.com के बजाय वो अपना नेम डाल देंगे उसके अंदर, जैसे कि smarttech.wordpress.com। इस तरह से वो अपना नाम डाल देंगे, आपको फ्री में डोमेन मिल जाएगा और उनकी वेबसाइट का नाम आ जाएगा जिनसे उनकी एडवर्टाइजमेंट होगी। तो इस तरह से आप फ्री में डोमेन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके डोमेन में उस साइट का नाम भी ना आए और आप डोमेन ले लें एक अच्छा सा, यूनिक सा, तो इस पर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं, वो आपको 1 से 2 दिन में इसी चैनल पर मिल जाएगी। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल स्मार्ट टेक को सब्सक्राइब कर लें, और हो सकता है कि जब तक मेरी ये वीडियो आप तक पहुँचे, मैं वीडियो वो पहले ही बना चुका हूँ और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाए। तो अब बात कर लेते हैं तीसरी चीज़ पर। तीसरी चीज़ फ्रेंड्स, इसको मैंने 2 से 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहले आपके पास स्किल होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, किसी भी काम के लिए स्किल्स तो चाहिए होती हैं। जब तक आपको काम करना ही नहीं आएगा तो आप काम कैसे करेंगे? तो स्किल्स आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। मैं आपको वेब डेवलपमेंट सिखा रहा हूँ, इससे आपको स्किल्स मिल जाएंगी। और दूसरी जो चीज़ है वो है आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए। जाहिर सी बात है, कंप्यूटर या लैपटॉप होगा तभी तो आप वेबसाइट बना पाएंगे। आप मोबाइल पर भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन यार बहुत मुश्किल होती है, छोटी सी स्क्रीन होती है, बार बार लिखना तो बहुत मुश्किल हो जाता है मोबाइल पर। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कर नहीं पाते, आप कर पाते हैं, लेकिन वो बहुत मुश्किल हो जाता है। और तीसरी जो चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है इंटरनेट। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, ये वैसे मैं बताने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा बता देता हूँ, थोड़ा वॉच टाइम मिल जाएगा। अभी मेरा वॉच टाइम भी पूरा नहीं हुआ, तो मैंने सोचा बता देता हूँ। सॉरी, वीडियो को ज़रा लंबा किया अपने मतलब के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आप इसी तरह के ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो यार। बहुत अच्छे अच्छे आपको ट्यूटोरियल्स मिलने वाले हैं यहाँ पर वर्डप्रेस के रिलेटेड। और सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है, वीडियो के बिल्कुल नीचे रहते तो उसका सब्सक्राइब बटन होगा, उसके साथ बेल आइकन को यार ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन हासिल कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।